हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ वीना शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, एसपीसी, गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बायोडाइवर्सिटी, व्हिच इज़ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ पेपर 14th ऑफ फोर्थ सेमेस्टर ऑफ एमएससी बॉटनी। एंड एज वी ऑल नो, little bit of biodiversity means different type of organisms which live on the earth is biodiversity. So biodiversity refers to the totality of genes, species and ecosystems of a region. The term biological diversity was first defined earlier. This biodiversity was known as biological diversity, and it was defined as including two related concepts: genetic diversity means amount of genetic variability within a species, and ecological diversity means the number of species in a community of organisms. It was defined as biological diversity by Norsey and Magnus in 1980. The term biodiversity, it was coined by Walter Rosen for the first time in 1986 in a national forum organized by the National Research Council under the title Biodiversity. 1986 से ही ये जो टर्म और कंसेप्ट है रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गए थे और बहुत कॉमनली यूज़ किए जाने लगे, विच मीन अमंग्स द बायोलॉजिस्ट और द पॉलिटिकल लीडर्स और कंसर्न सिटीजन्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट पूरी दुनिया में. जो रियो कन्वेंशन हुआ था 1992 में, हम सब जानते हैं, दिस रियो कन्वेंशन जो अर्थ समिट हुई थी हमारी, उसमें जो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था, उसमें ये बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है दैट वाज डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग इंटरेलिया ट्रांस टेरेस्ट्रियल मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस of which they are part. This includes diversity within species, between species and of ecosystems. So ये 1992 में डेफिनेशन आई थी अर्थ समिट में. तो इसका मतलब ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो वेरिएबिलिटी है, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, और उन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस मिल रहे हैं, वो चाहे वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हैं, मरीन इकोसिस्टम में हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हैं, और जो ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं, जैसे मरीन इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इनके जो इंटरेक्शन कर रहे हैं और ये जो इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, इनके बारे में बात की थी इसमें यूएन अर्थ समिट में. और साथ में ये इसमें ये भी बताया गया कि ये जो डाइवर्सिटी है वो विद इन स्पीशीज़ होनी चाहिए, मतलब एक स्पीशीज़ में भी जो जेनेटिक लेवल पे जो डाइवर्सिटी है, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं वो, और बिटवीन स्पीशीज़ मतलब दो स्पीशीज़ के बीच में जो डाइवर्सिटी है, जो स्पेसिफिक लेवल पे है, डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ पाई जा रही हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स हैं, जो इकोसिस्टम्स हैं, उनमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या वैरायटी पाई जा रही है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, कितनी उनकी रिचनेस है, वो सारी बातें मिलके बायोडाइवर्सिटी बना था. इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है, इट शुड इंक्लूड द ऑल स्पीशीज इन द रीजन दैट कैन इनहेबिट द पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ एनी साइट. नाउ as we know this the number of organisms on this earth they are
इन्यूमरेबल, बहुत ज़्यादा हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। और अभी जो हमें बायोडायवर्सिटी जिस जो हमें पता है, जो हमें स्पीशीज़ का नंबर पता है इस दुनिया में, चाहे वो प्लांट्स की हों, एनिमल्स की हों, या ह्यूमन बीइंग्स की हों, या माइक्रोब्स की हों, वो नंबर बहुत ज़्यादा है। ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि करीब 8.7 मिलियन नंबर है बायोडायवर्सिटी का, मतलब ऑर्गेनिज़म्स का इस धरती पे। उसमें से अभी हम बहुत कम एक्सप्लोर कर पाए हैं और उनके बारे में हमें पता है, बहुत कम ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमें पता है। रफली 2 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमें 2 मिलियन ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हमें पता है। तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स को आइडेंटिफाई करें और उनका थ्रेट लेवल या उनके बारे में, उनकी क्या अडेप्टेबिलिटी है किसी भी इकोसिस्टम में, उसके बारे में हम पता कर सकें। नौ जो लेवल्स हैं, मीन्स बायोडायवर्सिटी जो है वो इट्स प्लेस इन इंटीग्रल रोल इन द वे इकोसिस्टम वर्क एंड इन द बेनिफिट्स दे प्रोवाइड, मतलब यूज़फुल भी है, बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। कुछ बेनिफिट्स जो हैं बायोडायवर्सिटी के, दे इंक्लूड रेगुलेटिंग एलिमेंट्स सच एज क्लाइमेट, वाटर क्वालिटी, डिजीज एंड पॉलिनेशन, देन प्रोविजनिंग रिसोर्सेज सच एज फूड, क्लीन वाटर, इंडस्ट्रियल रॉ मटीरियल एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। बायोडायवर्सिटी से हमें ये फ़ायदे हैं कि हमें ये इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल मिलता है, या भोजन मिलता है, या वाटर मिलता है, और जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं वो भी इनसे हमें प्राप्त होते हैं। और कल्चरल प्रमोशन में भी जो इसका कल्चरल यूज़ है बायोडायवर्सिटी का, जैसे रिक्रिएशनल यूज़ हैं, एस्थेटिक यूज़ हैं, स्पिरिचुअल या बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हमें इससे मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी के क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, मतलब हम बायोडायवर्सिटी किस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी या बायोडायवर्सिटी जो है वो इट कंसिस्ट ऑफ 3 हायरार्कियल लेवल्स। आइदर इट इज़ स्टडीड एट जेनेटिक लेवल, देन इट बिकम्स जेनेटिक डायवर्सिटी, और इट इज़ स्टडीड एट स्पीशीज़ लेवल, देन इट बिकम्स स्पीशीज़ डायवर्सिटी, एंड इफ इट इज़ स्टडीड एट कम्युनिटी लेवल और इकोसिस्टम लेवल, देन इट इज़ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। सो हर लेवल पे हम बायोडायवर्सिटी को पढ़ सकते हैं, इसके 3 लेवल हम मानते हैं, और ये तीनों लेवल जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग अलग भी हैं, क्योंकि हम इनको अलग अलग पढ़ना है, हमें जेनेटिक लेवल पे क्या डाइवर्सिटी है, और इंटर रिलेटेड भी हैं, ताकि हम इसके जो इंटर कनेक्शंस हैं बायोडायवर्सिटी के, इस धरती पे जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी हैं, उनके बारे में हम पता कर सकते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज़। हम ये जानते हैं कि सभी स्पीशीज़ का अपना एक अलग जीन पूल होता है, और वो जेनेटिक लेवल पे एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, उनमें वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो ये जो है वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीशीज़, एंड द डिफरेंसेस कुड बी इन अलील्स, जो इनके डिफरेंसेस हैं वो इनके अलील्स में हो सकते हैं, मीन्स डिफरेंट वेरियंट ऑफ द सेम जीन में हो सकते हैं, या एंटायर जीन में हो सकते हैं, कि जो ट्रेट्स हैं दैट डिटरमाइन पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल, या ये जो डिफरेंसेस हैं ये वेरिएशन जो हैं वो क्रोमोसोमल लेवल पे हो सकते हैं, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो उसकी पॉपुलेशन को, जो एनवायरनमेंट है उसमें हेल्प करती है उसके अडेप्टेशन में, जो भी एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन आते हैं उसमें वो हेल्प करती है। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जेनेटिक लेवल पे, वो स्पीशीज़ इट इज़ मोर अडेप्टेड टू दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। और अगर कोई जैसे एक्सटर्नल कोई खतरा भी आता है, तो अगर स्पीशीज़ में जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, जैसे सपोज़ मोनोकल्चर है, जैसे क्रॉप्स की बात करें, तो
अगर कोई अटैक होता है, इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए मान लो, तो वो सारी उसको डैमेज ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी कम है, उसकी अडेप्टेबिलिटी कम है। अगर अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो बाहर के ख़तरों से भी बच जाते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है स्पीशीज़ में, वो इट ऑफन इंक्रीजेज विद द एनवायरमेंटल वेरिएबिलिटी। और ये जो डिपेंड करता है कि ये जो नंबर ऑफ़ जीन्स हैं, जैसे वो माइकोप्लाज्मा, फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा में 450 से 700 तक जीन्स होते हैं, और ई कोलाई में 4000 जीन्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स में या होमो सेपियंस में 40,000-50,000 तक जीन्स, 45,000 तक जीन्स हैं, और कुछ जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें 2-3 लाख जीन्स तक भी हो सकते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ जीन्स होंगे उतना उनकी वैरायटी जो है जैसे उस पर फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो जो जो मानव चाइना में रहते हैं वो लुक में डिफरेंट होते हैं अमेरिका में रहने वालों से, या यूरोप में रहने वाले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों से डिफरेंट दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। या जैसे सपोज बटरफ्लाइज हैं, तो वो डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज हमें दिखाई देती हैं, इसलिए वो मतलब उसमें ये वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे नज़र आता है। जो ईच स्पीशीज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनिजम्स, एंड जनरली नो टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए स्पीशीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑल स्पीशीज ऑन अर्थ आर समवॉट रिलेटेड थ्रू जेनेटिक कनेक्शंस, एंड द मोर क्लोजर अ स्पीशीज इज रिलेटेड टू अनादर, द मोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द टू स्पीशीज विल शेयर। मीन्स जो एक जगह पे रहने वाले जो लोग हैं उनमें डाइवर्सिटी स्टडी की जाती है, और जो डिफरेंट हैबिटेट में रहने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स उनमें भी जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी स्टडी करके उनका कंपैरिजन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद में हम ये जानते हैं कि ये जो वेरिएशन है वो उनमें चेंजेस आते हैं, और जो पेरेंट के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफस्प्रिंग में आते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं, उनका जीन पूल डिफरेंट होता है, इसलिए वो उसके जीन पेरेंट के जीन पूल से डिफरेंट हो जाते हैं और जेनेटिक डाइवर्सिटी को जन्म देते हैं या इसमें पाई जाती है। एडिशनली एवरी स्पीशीज हैज़ मोर डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज, एंड दीज टू स्पीशीज शेयर मोर जनरल सेट ऑफ ट्रेट्स। तो ये हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। हम जो बायोडाइवर्सिटी वो एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पे जीन्स में क्या चेंजेस आते हैं, एक ही स्पीशीज़ के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनमें जेनेटिक लेवल पे कितनी वेरिएशंस हैं, और ये उसको एनवायरनमेंट के अडेप्टेशन में हेल्प करता है। देन कम्स दी स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी इट रेफर्स टू वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद इन कम्युनिटी। अ वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज इट एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ रेफर्ड टू एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो जो स्पीशीज़ हैं वो एक स्टैंडर्ड मेजर हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन का भी एक बेसिक यूनिट है। द नंबर ऑफ वेरियस स्पीशीज इन अ गिवन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट इज डिस्क्राइब्ड एज स्पीशीज रिचनेस। मतलब जितनी तरीके की स्पीशीज़ पाई जाएंगी, अब यहाँ हम जेनेटिक लेवल से थोड़ा ऊपर वाला लेवल देख रहे हैं, स्पीशीज़ लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो जितने तरीके की स्पीशीज़ किसी भी एरिया में पाई जाती हैं वो उस जगह की स्पीशीज़ रिचनेस बताता है। जो स्पीशीज़ रिचनेस, या हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से स्पीशीज़ का काउंट है, मतलब नंबर है, जो सिंपलेस्ट मेजर है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का वो है इनका नंबर। किसी भी एरिया में जो भी स्पीशीज़ पाई जा रही हैं उनका नंबर हम काउंट कर लें, तो हमें किसी भी कम्युनिटी में जो स्पीशीज़ की वेरिएशन, जो वैरायटी है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है, और उसको हम स्पीशीज़ रिचनेस कहते हैं कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ किसी एरिया में कितनी पाई जाती हैं।
और ये जैसे एरिया बढ़ेगा साइट का, तो ये स्पीशीज़ का नंबर भी बढ़ता है. इन नेचर द नंबर एंड काइंड ऑफ स्पीशीज़ एज वेल एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पीशीज़ इट वेरी वेरी करता है, और उससे ये जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो भी बढ़ती है. तो अभी जैसे हमने देखा कि ये 8-10 मिलियन जो हमारे टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं दुनिया में, उसमें से हमने करीब 2 मिलियन या 1.75 मिलियन स्पीशीज़ ही अभी नेम्ड किए हैं, अभी हमें ज्ञात हैं. तो सम रीजन्स हैव मेनी स्पीशीज़, जैसे ट्रॉपिकल नॉर्थ साउथ अमेरिका जो वहाँ हैं, ये ग्लोबल क्लस्टर्स हैं बायोडाइवर्सिटी के, कि ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है. तो ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल दे हैव नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 85,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एशिया हैव एटलीस्ट 50,000, वाइल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल अफ्रीका हैज़ अबाउट 35,000 प्लांट स्पीशीज़. तो ये अलग अलग रीजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ प्लांट्स जो हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो वेरी करती हैं, और वो उसकी स्पीशीज़ रिचनेस बताती हैं. तीसरे नंबर पे जो हम तीसरा लेवल जो है वो इन दोनों लेवल से ऊपर है. जेनेटिक लेवल पे हमने देखा कि एक स्पीशीज़ मतलब विद इन द स्पीशीज़ क्या वेराइटी है, वेरिएशन है, और बिटवीन स्पीशीज़ क्या वेरिएशन है, और एट इकोसिस्टम लेवल कितनी तरीके के मतलब डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट हैबिटेट्स पाई जा रही हैं, वहाँ पे किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं. तो इकोलॉजिकल और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज़ दी वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम्स इन एन एरिया. इट इन्वॉल्व्स द कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेरियस स्पीशीज़ प्रेजेंट इन द इकोसिस्टम. मतलब एक बड़े एरिया, बड़े लेवल पे पूरे इकोसिस्टम में, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम है या डेजर्ट इकोसिस्टम है या माउंटेन इकोसिस्टम है, तो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इसमें कितने तरीके के प्लांट्स पाए जा रहे हैं या एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है. तो इकोसिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म से मिलके बना है, और वो जो ऑर्गेनिज्म में वैरायटी है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहलाती है, या उसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी कहते हैं. इकोसिस्टम कैन कवर अ स्मॉल एरिया लाइक अ पॉन्ड और लार्ज एरिया लाइक एन एंटायर फॉरेस्ट. तो उसकी कोई रेंज हो सकती है, और उसमें जो भी वैरायटी उसमें जो ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती है वो उससे हमारा यहाँ पे मतलब है. और वहाँ पे क्या ट्रॉफिक लेवल्स हैं, मतलब जितने भी जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सभी हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बने हैं, लेकिन उनका जो लेवल है इकोसिस्टम में वो अलग अलग है, वो डिफरेंट लेवल्स पे हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं. तो ये जो एक वहाँ पे सिस्टम बनता है, ट्रॉफिक सिस्टम बनता है, वो वहाँ की डाइवर्सिटी डिसाइड करता है. इकोसिस्टम एक्चुअली लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का एक और कॉम्प्लेक्स है, जो कि एनर्जी फ्लोज को कंट्रोल करता है. तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि इकोसिस्टम लेवल पे या कम्युनिटी डाइवर्सिटी जो है वो स्पीशीज़ की रिचनेस बताता है और इसकी अबंडेंस बताता है. डिफरेंट कम्युनिटीज़ दे में शेयर सम स्पीशीज़, हाउएवर द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ स्पीशीज़ मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अमंग द स्पीशीज़. मतलब ये जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो एक वाइडर स्केल पर है, जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्लूड्स, बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरिएशन इन दी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ इन विच स्पीशीज़ लिव, द इकोसिस्टम इन विच कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट, एंड द इंटरेक्शन अमंग दीज लेवल्स. सो वी हैव स्टडीड अबाउट कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स डिफरेंट थ्री लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स विद इन द स्पीशीज़ क्या डाइवर्सिटी है, जीन जेनेटिक लेवल पे क्या डाइवर्सिटी है, और
जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में हम पता करते हैं, इसमें स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो एक बेसिक लेवल है जिसमें हम फुल रेंज ऑफ स्पीशीज़ जो भी धरती पे पाई जा रही हैं उनके बारे में बात करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके और प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम तक, वो जो भी उसमें रिचनेस पाई जा रही है उसके बारे में हम देखते हैं, और तीसरे लेवल पर हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में या कम्युनिटी डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो बायोडाइवर्सिटी के बारे में ही होगा. इसी कंसेप्ट, इसी टॉपिक को हम आगे पढ़ेंगे. थैंक यू वेरी मच.